देखो, हमने आपको लास्ट क्लास में या उससे पहले की भी क्लास में एक बात बार बार रिपीट करी है कि जहां भी कहीं आपको एबनॉर्मल चीजें दिखेंगी उसको हमें कहां पहुंचाना है, नॉर्मल पे पहुंचाना है। अगर कहीं भी आपको एबनॉर्मल लॉस दिखता है तो उसको वापस से क्या कर देना है, प्लस कर देना है। ठीक है? अब बेटे कंसेप्ट आपको अगर जानना है तो पुरानी वीडियोस देख लेना, अदरवाइज यहां देखो। एबनॉर्मल लॉस के लिए क्या है, प्लस। और अगर हम एबनॉर्मल गेन की बात करें, एबनॉर्मल गेन, तो वो क्या होगा, माइनस। बहुत बढ़िया। एक और आपके दोस्त ने बात बोली, फ्यूचर एक्सपेंसेस। बेटे आधी बात तो सही बोली इन्होंने, याद तो दिला दिया फ्यूचर एक्सपेंसेस, लेकिन जो फ्यूचर के एक्सपेंसेस हैं उनको हम क्या करेंगे, माइनस करेंगे, घटाएंगे। यानी कि जो फ्यूचर में होने वाला खर्चा उसको घटा दो, और फ्यूचर जो रिसीट्स होंगी, फ्यूचर के जो फायदे होंगे उनको क्या करेंगे, हम प्लस करेंगे। ये सारी बात याद रखना, ठीक है? और एक और चीज बताता हूं बेटे, क्लोजिंग स्टॉक, क्लोजिंग स्टॉक, अगर कहीं, ध्यान से सुनो, कहीं पे ओवर वैल्यूड हो, कैसा हो, क्लोजिंग स्टॉक अगर क्वेश्चन में लिखा है ओवर वैल्यूड, या फिर क्वेश्चन में लिखा है अंडर वैल्यूड, ओवर वैल्यूड, या फिर अगर बेटे क्लोजिंग स्टॉक ओवर वैल्यूड है तो उसे माइनस करना। क्या करना, अभी समझाएंगे क्यों। अगर कहीं अंडर वैल्यूड है तो उसे क्या करना, प्लस करना। इसी तरीके से बेटे अगर ओपनिंग स्टॉक की बात बोली जाए, कौन सा स्टॉक, ओपनिंग स्टॉक, तो ओपनिंग स्टॉक अगर ओवर वैल्यूड है, ओवर वैल्यूड, तो इसे क्या करना बेटे, प्लस करना। ठीक है? और अगर ये बेटे अंडर वैल्यूड है ओपनिंग स्टॉक, तो क्या करना है, उसे माइनस करना। सर ये याद नहीं रहेगा हमें, बहुत अच्छी बात है ना। अब देखो बेटे क्यों प्लस और क्यों माइनस, मैं आपको समझाता हूं। बेटे ये देखो, ये है मेरा ट्रेडिंग अकाउंट, बचपन में बनाया था हमने 11th क्लास में, याद है, ट्रेडिंग अकाउंट। बेटे बैलेंस शीट सबसे लास्ट में बनता है, उससे पहले प्रॉफिट एंड लॉस बनता है, और सबसे पहले क्या बनता है, ट्रेडिंग अकाउंट बनता है। हमने जो पढ़ाया बेटे हम उसी पे रहेंगे, है ना। आप सुनिए बेटे प्लीज, यहां पे हम लिखते थे बाय नेट सेल्स, याद है। नेट सेल्स मान लो कितने की है सर, 2 लाख रुपए की। कितने की नेट सेल्स है, जस्ट इमेजिनरी फिगर है सारी की सारी। यहां पे हम लिखते हैं बाय क्लोजिंग स्टॉक, लिखते थे बेटे, याद है ट्रेडिंग अकाउंट, नहीं याद है। मान लो ट्रेडिंग क्लोजिंग स्टॉक कितने का है, 20,000। यहां पे हम क्या लिखते हैं, टू ओपनिंग स्टॉक सबसे पहले, ठीक है बेटे। अज्यूम ओपनिंग स्टॉक कितने का है, 30,000 का, 30,000 का ओपनिंग स्टॉक, ध्यान से सुनिए। और यहां पे लिखा है टू नेट परचेज, या हम डायरेक्ट सीओजीएस लिख ले, चलो नेट परचेज लिख ले, नेट परचेज, आप नेट प्रॉफिट मत समझना, नेट परचेज। नेट परचेज मान लेते हैं बेटे 1 लाख रुपीज का है, तो आप सभी को पता है इस साइड का टोटल करेंगे हम कितना आएगा, इस टोटल को यहां लिखेंगे ये भी कितना आएगा, 2 लाख, और इस टोटल में से ये पैसा माइनस कर देंगे तो क्या क्या बचेगा मेरे पास, टू ग्रॉस प्रॉफिट, कितना बच गया, 90,000 रुपये। इस बात में कोई भी आपत्ति। अब सुनिए ये वाला केस देखते हैं, सबसे पहला केस उठाते हैं, क्लोजिंग स्टॉक क्या है बेटे, ओवर वैल्यूड, और मैंने क्या बोला है? क्या कर देना, सपोज दैट कि क्लोजिंग स्टॉक ओवर वैल्यूड है, कितने रुपए से ओवर वैल्यूड है, लेट लेट क्लोजिंग स्टॉक ओवर वैल्यूड बाय
5000, यानी कि पहले से कितने रुपए का बढ़ा रखा आपने? 5000 रुपए का। बेटे ध्यान से समझ लेना, बार बार नहीं समझाई जाएगी ऐसी बातें। कितने रुपए से बढ़ रखा है? अगर बेटे ये 5000 से बढ़ा हुआ है, यानी कि ओरिजिनल वैल्यू कितनी है इसकी? 15000। अब सपोज डेट ये 20 ना होते, कितने होते फिर? 15 होते। अगर ये 15 होते तो इन दोनों का टोटल कितना होता? 2 लाख। अगर ये 2,15,000 होता तो यहां पे टोटल कितना होता? सर ये भी 2,15,000 होता, ये तो 2,20 नहीं होता ना, ये भी 2,15 होता। और 2,15 अगर ये होता तो ये ग्रॉस प्रॉफिट जो 90 दिख रहा है कितना होता बताओ? क्लोजिंग स्टॉक ओवर वैल्यूड होने की वजह से मेरा ग्रॉस प्रॉफिट 5000 रुपए से क्या हो रखा है? बढ़ रखा है। तो उस ग्रॉस प्रॉफिट को क्या करना पड़ेगा? कम करना पड़ेगा। इसलिए मैंने क्या किया, जो भी ओवर वैल्यूड पोर्शन है उससे माइनस कर दो। नहीं आई बात समझ में? कैसे बढ़ रखा है? देखो अगर ये ओरिजिनली 15 पे वैल्यूड होता तो ग्रॉस प्रॉफिट कितना होता? 85। लेकिन अगर वो 20 पे मैंने लिख दिया तो ग्रॉस प्रॉफिट कितना हो गया? 90। तो बेटे क्लोजिंग स्टॉक के बढ़ने की वजह से ही तो मेरा ग्रॉस प्रॉफिट बढ़ा हुआ है, बढ़ा हुआ है। प्लीज प्लीज प्लीज, क्लोजिंग स्टॉक के ज्यादा होने की वजह से मेरे ग्रॉस प्रॉफिट की वैल्यू बढ़ रखी है। तो अब भाई, अब ग्रॉस प्रॉफिट जब मैं क्लोजिंग स्टॉक को कम करूंगा तो ग्रॉस प्रॉफिट भी क्या होगा? कम होगा। तो मैंने क्या किया? कम कर दिया। माइनस करना है ना अपने प्रॉफिट में से, जो भी पोर्शन मेरा ज्यादा होगा उसको घटा दूंगा मैं, आ जाऊंगा एक्चुअल वैल्यू पे। नहीं आई बात समझ में? मुझे एक्चुअल वैल्यू पे पहुंचना भाई। तो एक्चुअल वैल्यू पे पहुंचने के लिए क्लोजिंग स्टॉक का ओवर वैल्यूएशन क्या करना है? माइनस। सिर्फ 5000 रुपए प्रॉफिट में से घटा दो, हम एक्चुअल प्रॉफिट पे पहुंच जाएंगे। क्लियर है बात? अब सुनिए दूसरी चीज, अंदर यहां पे क्या लिखा, अब अंडर वैल्यूड। अगर सपोज डेट ये 20,000 रुपए अंडर वैल्यूड है, क्लोजिंग स्टॉक अंडर वैल्यूड यानी कि इनकी वैल्यू कम है। अब अंडर वैल्यूड है यानी कि बेटे अब ये सारी चीजें बिल्कुल ठीक है फिलहाल के लिए। लिखा है क्लोजिंग स्टॉक अंडर वैल्यूड बाय, यानी कि आपने गलती से 25,000 का सामान कितने पे लिख दिया? 20,000 पे। अगर ये 25,000 होता, अगर क्लोजिंग स्टॉक कितना होता तो ये टोटल कितना होता? 2,25,000 होता। अगर ये 2,25,000 होता तो यहां पे भी टोटल कितना होता? 2,25,000। और बेटे अगर ये 2,25,000 टोटल होता तो इसमें से माइनस करते तो ये 90 नहीं होता, कितना होता? यानी कि क्लोजिंग स्टॉक के अंडर वैल्यूड होने की वजह से मेरा ग्रॉस प्रॉफिट जो है वो कितने से कम है? 5,000 रुपए से कम हो रखा है। तो अब मैं उसको क्या कर दूंगा? बढ़ा दूंगा, एक्चुअल इफेक्ट पे पहुंचूंगा फिर। ठीक है, नहीं आई बात समझ में? क्लियर है? अब सुनिए ओपनिंग स्टॉक की बात करते हैं। मिटा दो ना ये फालतू की चीजें, जो भी मैं लिख रहा हूं ना बार बार, मिटाते जाओ ये साथ के साथ। अब देखेंगे ओपनिंग स्टॉक ओवर वैल्यूड, मैंने क्या लिखा है? प्लस। सर क्यों प्लस करना है? देखो जरा, ये रहा ओपनिंग स्टॉक, कितने का है? 30,000। लेट ओपनिंग स्टॉक ओवर वैल्यूड बाय, अगर ओपनिंग स्टॉक की वैल्यू मैंने गलती से क्या कर रखी है? 5,000 रुपए से बढ़ा रखी है, यानी कि एक्चुअली ये 30 नहीं है, कितना है एक्चुअली? 25 है। बेटे अगर ये 25 है तो इस 2,20,000 में से ये 1,25,000 माइनस होगा या नहीं होगा? बैलेंसिंग फिगर ही तो निकलता है ग्रॉस प्रॉफिट। 2,20,000 में से 1,25 घटाओ जरा, कितना बचेगा? 2,80,000। बेटे फिर से प्लीज, 2,20,000 में से कुछ भी मत बोलो, 1,25,000 घटाओ, कितना बचेगा? 95 बचेगा। प्रॉफिट है कितना अभी? 5,000 से बढ़ाना चाहिए ना प्रॉफिट को। मैंने क्या किया है? ओपनिंग स्टॉक का ओवर वैल्यूएशन प्लस। नहीं आ रही बात समझ में? ओपनिंग स्टॉक लिखा हुआ है बेटे 30। क्वेश्चन कह रहा है कि ओपनिंग स्टॉक ओवर वैल्यूड है 5,000 से, ओवर वैल्यूड होने का बढ़ रखा है,
उसको जैसे ही मैं कम करूंगा, हाँ जी सिर्फ प्रॉफिट के लिए, बाकी कुछ भी नहीं छोड़ दो। मैं बेटे मैं दोबारा से अकाउंट तो बनाने वाला हूं नहीं, मेरा काम क्या गुडविल कैलकुलेट करना, मेरे अंदर इतना दिमाग है कि किससे प्रॉफिट के ऊपर क्या फर्क पड़ने वाला। ठीक है, तो जब भी ओपनिंग स्टॉक का ओवर वैल्यूएशन हम क्या कर देंगे प्लस। अब सुनो नेक्स्ट लिखा है क्लोजिंग जो ओपनिंग स्टॉक है ना, ओपनिंग स्टॉक अंडर वैल्यूड, लेट ओपनिंग स्टॉक अंडर वैल्यूड बाय, यानी कि ये जो 30,000 है ना, ये एक्चुअल में 30 नहीं थे, कितने थे 35 थे, गलती से कितने पे लिख दिया, यानी कि बेटे 30 को छोड़ो, अब यहां 125 माइनस नहीं, अब कितना माइनस होगा 100,000 और ये 35,000, तभी ये ग्रॉस प्रॉफिट आएगा। कितना बचना चाहिए 85,000 और है कितना, यानी कि मेरे प्रॉफिट 5,000 रुपए से क्या हो रखे हैं, बढ़ रखे हैं, क्या करना पड़ेगा कम करना पड़ेगा। तो सारी चीज समझ में आ रही है बेटे, क्लोजिंग स्टॉक और ओपनिंग स्टॉक, ओवर वैल्यूएशन और अंडर वैल्यूएशन। ठीक है बेटे, रटने वाले बच्चे ध्यान दे, रटेंगे कैसे, क्लोजिंग स्टॉक ओवर वैल्यूएशन माइनस। देखो बेटे शुरुआत हमेशा पॉजिटिव से होती है, कैसे होती है ऐसे रटने का भी तरीका बताऊंगा बेटे, शुरुआत कैसे होती है पॉजिटिव से और अंत कैसे होता है नेगेटिव। शुरुआत भी जब भी हम करना चाहते हैं तो वो पॉजिटिविटी के साथ, तो जब भी आप सीधा जा रहे हो, जब भी ओपनिंग की बात हो रही है, तो जो भी आपका इफेक्ट होगा वो पॉजिटिव रखना। ओपनिंग की जब हम बात कर रहे थे, ओपनिंग में ओवर, जब दोनों ही चीजें ओपनिंग भी है और ओवर का मतलब ऊपर की तरफ है प्लस, ओपनिंग ओवर प्लस, यानी कि आप ऊपर ऊपर जा रहे हो ओपनिंग के केस में, और जब ओपनिंग में क्या जाना है, जब नीचे जाना है तो यहां अंडर है तो माइनस करना। अरे बात समझ में, रटने का तरीका यही है। अगर हम बात कर रहे हैं ओपनिंग स्टॉक की, ओपनिंग स्टॉक को पॉजिटिव सेंस में देखो आप, अगर ओवर है तो प्लस चले जाओ और अंडर है तो माइनस चले जाओ ओपनिंग के केस में, और क्लोजिंग के केस में अपनी ट्रीटमेंट को पलट दो। कैसे चेंज करेंगे, अगर क्लोजिंग के केस में ओवर की बात हो रही है तो माइनस और अंडर की बात हो रही है तो प्लस। ठीक है, रट तो हमने ऐसे लिया और समझ भी लिया। अब बेटे अब हम क्वेश्चन करते हैं कि क्वेश्चन क्या है, आप इसको नोट करना चाहते हो, सारे ट्रीटमेंट्स को नोट कर लो। कर लिया नोट, इट्स टाइम नाउ 6:54। ठीक है, क्लास बेटे एक्सटेंड होगी 10 मिनट तो कोई दिक्कत भी आती नहीं है, लेकिन क्वेश्चन हमको करना जरूरी है। बुक है नहीं, क्वेश्चन करवाना है। बेटे जिसने नोट कर लिया, इलस्ट्रेशन नंबर 8 ओपन करें, पेज नंबर 2.11। पढ़ाएं पेज नंबर 2.11, इलस्ट्रेशन नंबर 8 बुक है बेटे, बिजनेस स्टडीज की है ना, बिजनेस स्टडीज की बुक नहीं, सॉरी हिंदी की लग रही है, तो डीके गोयल की बुक है बेटे ये वाली, अरे ये तो कवर भी नहीं दिख रहा है इस पे, डीके गोयल की बुक है बेटे न्यू एडिशन, पेज नंबर 2.11। हाँ बेटे दिखाओ, बुक दिखा देते हैं हमारे वीडियोज, जो बेटे जो वीडियोज में पढ़ना चाहे बेटे, ये वाली बुक है पेज नंबर 2.11, इलस्ट्रेशन नंबर 8, चैप्टर नंबर 2। ओके सुनेंगे, इट वॉज एग्रीड,
सर क्या एग्रीड हुआ बताओ जरा। इट वॉज एग्रीड टू कैलकुलेट द वैल्यू ऑफ गुडविल। किसकी गुडविल कैलकुलेट करनी है? फर्म की कैलकुलेट करनी है, वैल्यू ऑफ गुडविल ऑफ फर्म एट 3 ईयर परचेज। बेटे इंफॉर्मेशन आपके दिमाग में छप जानी चाहिए जैसे ही क्वेश्चन पढ़ रहे हो, इतनी अंडरस्टैंडिंग के साथ आपको क्वेश्चन पढ़ना है, क्योंकि बेटर अंडरस्टैंडिंग ऑफ द क्वेश्चन इज द हाफ सॉल्यूशन। आप सुनेंगे, नंबर ऑफ ईयर परचेज कितना गिवन है? 3। गुडविल ऑफ द फर्म एट 3 ईयर परचेज ऑफ वेटेड एवरेज प्रॉफिट मेथड। यानी कि आपको बेटे वेट्स कैलकुलेट करने पड़ेंगे, वेट्स गिवन होंगे उसका मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, प्रोडक्ट कैलकुलेट करना पड़ेगा। समझ गए? अब चलते हैं आगे। ऑफ पास्ट 4 ईयर, यानी कि पिछले 4 सालों के प्रॉफिट्स का वेट कैलकुलेट करना है। नेक्स्ट, द एप्रोप्रिएट वेट टू बी यूज्ड फॉर द ईच ईयर एंडेड 31st March 2018। 18 को 1 वेट दिया हुआ है, 19 को 2 है, 20 को 3 है और 21 को 4 है। ये तो हमें पहले से पता है, वेट पता है नहीं पता? द प्रॉफिट फॉर दीज ईयर्स एंडेड ऑन 31st March 2018 बेटे 20,200 रुपए। बेटे एक साल का प्रॉफिट कितना है? 20,200। दूसरे साल का प्रॉफिट है बेटे 24,800। देख लो जरा, यही है ना वेट। फिर तीसरे साल का प्रॉफिट कितना है? 20,000। फिर उसके बाद कितने का? बेटे मैंने चारों साल के प्रॉफिट लिख लिए। सर अब तक तो आप ऐसे लिखते थे प्रॉफिट वर्टिकली, आपने ऐसे क्यों लिखा बेटे? अभी देखो जादू होगा। ये क्या लिखा हुआ है? ये है बेटे प्रॉफिट्स, क्या है, और इसके ऊपर हमने लिखे बेटे ईयर्स, ईयर एंडिंग 31st March 2018। 2018 ये जो साल है बेटे, ये 2019, यह है 2020 और यह है 2021। ये 4 साल दे रखे हैं और चारों साल के हमने प्रॉफिट भी लिख लिया है। बेटे वो सारी चीजें लिखी हुई है ना हमने, उसका ट्रीटमेंट करने के लिए हमने क्या किया, इसको ऐसे लिखा हॉरिजॉन्टली। हाँ बेटे क्वेश्चन अभी हमने पूरा पढ़ा नहीं है ना, पूरा पढ़ते पता चलेगा क्यों नहीं चलेगा। अब सुनो, ऑन अ स्क्रूटनी, स्क्रूटनी का मतलब होता है बेटे जांच। जिस दिन जांच हो रही है, ऑन अ स्क्रूटनी ऑफ द अकाउंट्स द फॉलोइंग मैटर आर रिवील्ड। देखो बेटे क्या क्या पता चला, कच्चे चिट्ठे खुल चुके हैं। क्या पता चला? 1 दिसंबर 2019, कब की बात है? 1 दिसंबर 2019 यहां पे आता बेटे, 1 दिसंबर यानी कि 1/12/2019। ध्यान से समझिए, ये ईयर कहां पे क्लोज होगा? 31 मार्च 2020 को क्लोज होगा बेटे। यानी कि पता है कौन से साल की बात हो रही है? इस वाले साल की, 31 मार्च 2020। समझ गए बात को? किसी को कोई डाउट है सर इसमें क्यों नहीं आएगा? कोई डाउट तो नहीं है? ये इस वाले साल में आएगा। चलिए, 1 दिसंबर 2019 अ मेजर रिपेयर वॉज मेड इन रेस्पेक्ट ऑफ प्लांट। एक बेटे बड़ी रिपेयर करी थी आपने किसकी? प्लांट की। अब बेटे अब यहां पे आपको ज्ञान होना चाहिए डेप्रिसिएशन के चैप्टर का, 11th क्लास में हमने पढ़ा है डेप्रिसिएशन। जब भी बेटे कभी मेजर रिपेयर होती है ना, तो वो मशीन की कॉस्ट में ऐड हो जाती है, उसको मशीन में क्या कर देना पड़ता है? मशीन के अकाउंट में डेबिट करते हैं। बट यहां पे क्या हुआ? अ मेजर रिपेयर वॉज मेड इन रेस्पेक्ट ऑफ प्लांट इंकरिंग ₹6,000। 6,000 रुपए खर्च किए थे किसके ऊपर? मशीन के ऊपर। वॉज अमाउंटेड टू चार्ज टू रेवेन्यू। है ये क्या कर दिया सर? रेवेन्यू मतलब क्या होता है जल्दी बताओ? रेवेन्यू मतलब, बिल्कुल सही बात बोल रहे हो बेटे, जो हमें सेल से मिलता है। यहाँ बेटे ज्ञान का अभाव है। नहीं मुन्ना, नहीं बिल्कुल भी नहीं। एक्सपेंडिचर दो तरीके के होते थे, 11th क्लास में आपने पढ़ा है, एक कैपिटल एक्सपेंडिचर, दूसरा रेवेन्यू एक्सपेंडिचर। इन्होंने इसको रेवेन्यू एक्सपेंडिचर के तरीके से ट्रीट कर दिया। अब रेवेन्यू एक्सपेंडिचर का नेचर क्या होता है कि सारे के सारे रेवेन्यू एक्सपेंडिचर जाते हैं प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में डेबिट साइड पे, और सारे के सारे कैपिटल एक्सपेंडिचर जाते हैं बैलेंस शीट में। अब ये मेजर रिपेयर है, ये जानी चाहिए थी बैलेंस शीट में, बट आपने भेज कहां दी? प्रॉफिट एंड लॉस में। इसकी वजह से हमारा प्रॉफिट क्या हो रखा है? कम हो रखा है। जैसे ही आपने प्रॉफिट एंड लॉस में कोई चीज डेबिट करी, आपका प्रॉफिट क्या हुआ है?
कम हुआ है, तो आपको ये प्रॉफिट क्या करना पड़ेगा, बढ़ाना पड़ेगा। समझ आ रही है बात? सर हुआ क्या, देखो एक्चुअल में ट्रीटमेंट क्या हुआ, ये था प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट, ध्यान से समझिए। यहां पे बेटे आपने बताया कितने रुपए पड़े, 20,000 रुपए का नेट प्रॉफिट है इस साल। गलती से आपने यहां पे लिख दिया क्या, टू रिपेयर, कितने रुपए की रिपेयर लिखी, 6,000 रुपए की, और यहां पे अमाउंट कितना था, 26,000। बेटे इस टोटल 26,000 करोगे, यहां 26,000 6,000 माइनस करोगे, तब जाके कितना आएगा, 20,000 का क्या आएगा, टू नेट प्रॉफिट। लेकिन अब बताओ अगर ये 6,000 नहीं होते तो प्रॉफिट कितना होता, अगर यहां से 6,000 नहीं होते तो ये प्रॉफिट कितना होता बेटे, इसका टोटल करते 26, यही टोटल यहां लिखते तो बैलेंसिंग फिगर ये 20 ना होके कितना होता, 26 होता। तो ये 6,000 रुपए क्या करने, मुझे ऐड करने। तो सर आप यहां पे लिखिए, अब ऐड मेजर रिपेयर चार्ज्ड एज रेवेन्यू, लिख दो बस, रेवेन्यू लिख दो, कोई बात नहीं। जब ये शॉर्ट फॉर्म लिख सकते हैं तो हम नहीं लिख सकते क्या, मेजर रिपेयर को हमने कैसे चार्ज कर दिया एज अ रेवेन्यू, इसलिए वापस से क्या कर देना इसको। अब बेटे सारे साल में मत कर देना, तकलीफ हो जाएंगी आपको, जिस साल का है उसी साल में करना, 6,000 रुपये। समझे बात को, कोई दिक्कत? अब देखो बेटे आगे, अभी यहां पे बाज नहीं आए ये लोग, अब क्या बोल रहे हैं, प्लीज द पेड सम, आगे की बात बोलिए, जो ये हम ट्रीटमेंट कर चुके हैं ना ये वो बता रहे हैं आपको, द पेड सम इज एग्रीड टू बी कैपिटलाइज। कैपिटलाइज का मतलब सर उसको कैपिटल एक्सपेंडिचर मान लो, अभी तक रेवेन्यू माना था ना, अब क्या मान लो उसको, कैपिटल एक्सपेंडिचर, यानी कि एसेट साइड में लिख दो, हम लिख चुके, प्लस कर दिया, मान लो हमने लिख लिया है ना, फॉर द गुडविल कैलकुलेशन सब्जेक्ट टू द एडजस्टमेंट ऑफ डेप्रिशिएशन ऑफ 10% पर एनम ऑन रिड्यूसिंग बैलेंस मेथड। अब सर देखो क्या किया इन्होंने, 6,000 रुपए यहां से तो निकाल दिए हमने, लेकिन बेटे अब ये मशीन तो बन गई ना, मशीन की रिपेयर थी, मशीन की कॉस्ट में ऐड किया, इसके ऊपर डेप्रिशिएशन लगेगा नहीं लगेगा, जब आपने सारा यहां लिखा था तो डेप्रिशिएशन तो नहीं लगाया था, अब जब आपने इसको असेट में रिकॉर्ड किया तो डेप्रिशिएशन भी लगाना पड़ेगा, डेप्रिशिएशन लगाना पड़ेगा तो क्या करो, माइनस डेप्रिशिएशन एट द रेट 10% पर एनम ऑन WDV, बोले तो बेटे रिटर्न डाउन वैल्यू मेथड। ये रिपेयर करा कौन सी तारीख को था ये बताएं, 1 दिसंबर 2019 बेटे ध्यान से सुनो, यहां था ना 1 दिसंबर 2019, यहां से यहां तक कितना समय होता है, 4 महीने, 4 महीने का डेप्रिसिएशन कितना बनेगा, 6,000 रुपए का अमाउंट है, 10% का मतलब 10/100 और बेटे 4/12 बेटे मशीन कितने रुपए की आपने, कहां 26,000 की है, मशीन कितने की थी, 6,000 की, 26,000 का तो टोटल प्रॉफिट होगा। अब सुनिए बेटे, अब अगर इसका हम 4/12 करें तो मेरे हिसाब से 200 रुपए आना चाहिए, कितना आएगा, तो 200 रुपए डेप्रिसिएशन बेटे इस साल। अब कीमत कितनी बची, 200 डेप्रिसिएशन लग गया तो 5,800। अगले साल डेप्रिसिएशन लगेगा नहीं लगेगा, लगेगा, डेप्रिसिएशन मशीन पे हर साल लगता है, WDV पे डेप्रिसिएशन लगेगा तो ये कितना बनेगा, 580 रुपए, 5,800 की वैल्यू का। इतनी बात समझ में आ रही है, 10% के रेट से चल सकते आगे, पक्का। अब सुनिए नेक्स्ट, द क्लोजिंग स्टॉक ऑफ द ईयर एंडेड 2019, क्या लिखा है, क्लोजिंग स्टॉक ऑफ द ईयर एंडेड 31st March 2019, क्लोजिंग स्टॉक ऑफ द ईयर एंडेड 31st March 2019, इस तारीख का बेटे क्लोजिंग स्टॉक है, क्लोजिंग स्टॉक
ध्यान से समझिए बेटे, कितने रुपए का है? क्लोजिंग स्टॉक ऑफ द 31st मार्च 2019 वॉज ओवर वैल्यूड बाय 2400। क्लोजिंग स्टॉक यहाँ पे क्या है बेटे? ओवर वैल्यूड है। प्लीज ध्यान से सुनिए, तो क्लोजिंग स्टॉक ओवर वैल्यूड होता है तो क्या करते हैं? माइनस। कौन से वाले साल में? 2019 यानी कि इस वाले ईयर में। तो क्या कर दो बेटे यहां से? लेस। क्लोजिंग स्टॉक ओवर वैल्यूड क्या करें बेटे? प्लस। अभी तो बताया क्लोजिंग स्टॉक ओवर वैल्यूड, यार सब कुछ लिखा हुआ उसके बाद भी। क्लोजिंग स्टॉक माइनस करेंगे बेटे कितने रुपए इस वाले साल में ना, कितने का ओवर वैल्यूड है? 2400 लिखा था पक्का? हाँ बेटे 2400 रुपए, 2400 माइनस करना था, माइनस कर दिया। अब बेटे एक राज की बात बताता हूँ आपको बेटे, राज की बात यह है, आप एक काम करना, आज घर पे जाएंगे हम 2400 रुपए तकिए के नीचे रखेंगे, या 10-20 रुपए रख लेना, सुबह उठ के देखना बेटे 10-20 रुपए वहीं मिलेंगे आपको। नहीं मिलेंगे हैं? अगर मम्मी ना, मम्मी ने या भाई छोटे भाई बहन ने ना उठाए तो, यानी कि मैं बेटे बेसिकली आपको ये कहना चाहता हूं कि एक साल का क्लोजिंग दूसरे साल के लिए क्या होता है? ओपनिंग। अगर बेटे इसका क्लोजिंग ओवर वैल्यूड है ना, तो इसका ओपनिंग भी ओवर वैल्यूड है, इस बात को समझ लेना। समझ गए बात को? अगर इसका क्लोजिंग ओवर वैल्यूड है तो इसका ओपनिंग भी, 19 के बाद क्या आता है? 20 ना, 31 मार्च को तारीख क्लोज हुई, स्टार्ट हो गया ना अगला साल 1/4/2020। इसका ओपनिंग स्टॉक भी क्या है? ओवर वैल्यूड। और ओपनिंग स्टॉक ओवर वैल्यूड होता है तो क्या होता है? प्लस। यहां पे कर दो प्लस ओपनिंग स्टॉक ओवर वैल्यूड 2400 रुपए। बेटे उम्मीद करते हैं आपको यहां तक बात बिल्कुल कायदे समझ में आ रही होगी सारी की सारी, है ना? अब देखो बेटे नेक्स्ट पॉइंट पे आते हैं। टू कवर मैनेजमेंट एन एनुअल कॉस्ट ऑफ ₹4800 शुड बी मेड फॉर द पर्पज ऑफ गुडविल। बेटे कवर मैनेजमेंट का मतलब हम ना फ्यूचर में कुछ खर्चे करेंगे, 4800 रुपए पर एनम हर साल में फ्यूचर कॉस्ट, फ्यूचर कॉस्ट है तो बेटे हमने लिखवाया ना फ्यूचर एक्सपेंसेस, कौन से साल में से बेटे? फ्यूचर के सारे सालों में खर्चे होने वाले, तो इस सारे सालों में से भी क्या करना है? इसको माइनस कर देना है। इज इट क्लियर? हाँ जी बोलिए बोलिए। नहीं बिल्कुल भी नहीं, अभी हमने समझाया था आपको, दोबारा समझा देंगे कोई बात नहीं। आप सुनिए, मैनेजमेंट कॉस्ट बेटे, मैनेजमेंट कॉस्ट कितनी कितनी है? 4800 रुपए हर साल में से, 4800 यहां से घटाओ, 4800 यहां से घटाओ, 4800 और फिर यहां से भी 4800, ₹20,200 - ₹4,800 बेटे कितना बचेगा? मेरे हिसाब से बचना चाहिए 20 में से 4 के कितने बचे? अच्छा 20 में से 5 ही घटा दो ना, 15,400 बचने चाहिए, 15,400। इसमें से आप बेटे 24,000 में से 4 और 2 6, 6,000 ₹7,000 घटाओ 24 में से 7 के कितने बचे? अरे सिंपल है, 17,600 बचेंगे, 20 और 6 26, 26 और 2 28,400, 28,400 में से आपको 5,000 घटा देना है, 23,400। इसका देखो बेटे 30,000 में से आप ₹5,000 घटाओ जरा, बचे 25, 25,000 में से 380 और घटाने तो 24,620। ये मेरे पास सारे इयर्स के प्रॉफिट आ गए, एडजस्टेड एनुअल प्रॉफिट। क्लियर है बात?
एडजस्टेड एनुअल प्रॉफिट। अब सर क्या करना है? अब बेटे कुछ नहीं, मैं इन सारी चीजों को मिटाऊंगा, मेरा इनका काम हो गया खत्म, है ना। अब किसी को दोबारा देखना हो कि सर क्या हुआ था, तो वीडियो देख लेना बेटे अब, ठीक है। और लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर कर देना। अब सुनेंगे बात प्लीज। अब हमें एवरेज प्रॉफिट कैलकुलेट करना है। कौन सा प्रॉफिट? ओ सॉरी, वेटेड एवरेज प्रॉफिट। वेटेड एवरेज प्रॉफिट, तो सर पहले क्या लिख लो? प्रॉफिट्स। प्रॉफिट्स कितने कितने रुपए के हैं? 15,400, फिर 17,600, फिर 23,400, और फिर 24,620। फिर इनके क्या लिखने बेटे? वेट्स। इसका वेट कितना है? 1, इसका 2, और इसका 3, और इसका 4। 15,400 गुणा 1 कितना होता है? 15,400, 17 दुनी 34, 35,200, 23 गुणा 3 69, ये आ जाएगा 70,200, 24 गुणा 4 96, 98, 24 गुणा 4 कितना होता है? 96, 6 चौक 24, 98,480, ठीक है। अब इन सब का क्या करो बेटे? टोटल 15 और 35 कितना हो गया? 50, 50 और 70 120, 120 और 98 218, 218,000, 219,280। चेक करेंगे बेटे जरा, यही है क्या? देख लेना एक बार बेटे, गलती हो सकती है क्योंकि सम ऑफ प्रोडक्ट। बेटे बातें मत करो, इसका टोटल करो, यही आ रहा है 219,280। चलो फिर ठीक है। सम ऑफ वेट, सम ऑफ वेट कितना आ गया? 10। वेटेड एवरेज प्रॉफिट निकालो। वेटेड एवरेज प्रॉफिट इज इक्वल टू 219,280 डिवाइडेड बाय 10, सम ऑफ प्रोडक्ट डिवाइड बाय सम ऑफ वेट। तो ये मेरे पास कितना आना चाहिए? 21,928 रुपए। इज इट क्लियर? गुडविल का जो वैल्यूएशन है वो कैसा है बेटे? वेटेड एवरेज प्रॉफिट इनटू नंबर ऑफ ईयर परचेज। वेटेड एवरेज प्रॉफिट है बेटे 21,928 मल्टीप्लाई कितने से? 3 से। तो 21,000 गुणा 3 कितना होता है बेटे? 63,927, 65,780, 784, ये आंसर है क्या? 784 गुडविल, ठीक है। जल्दी से बेटे छाप लीजिए, ये आंसर आ गया तो आपका, ठीक है बेटे। कोई भी डाउट हो तो आप वीडियो को दोबारा देख सकते हैं। तब तक के लिए थैंक्स, बाय बाय।